तो व्हाट्सअप गाइस, एक बार फिर से हमारा चैनल लेके आ चुका है माइनक्राफ्ट। और एक बार आपका स्वागत है यार माइनक्राफ्ट के एक और खतरनाक नहीं, एक काफी ब्यूटीफुल सुबह में, क्या बोलते हैं सुबह में। तो यार अभी ऐसा है कि अगर आप लोग ने हमारा आखिरी एपिसोड देखा है, a few minutes later का हुआ भैया, कान कौन दिल्ला बिल्ला रहा भैया, चिल्ला बिल्ला होना नहीं यार, क्या बात है यार, जब भी हम अपना एपिसोड करते हैं कोनो ना कोनो चिल्लाने आ जाता है। तो यार अभी ऐसा नहीं कि अगर आप लोग ने हमारे आखिरी एपिसोड देखा है तो यार आपको आखिरी एपिसोड में पता ही होगा कि यार हमने क्या किया। तो यार हमने बना लिया था अपना एक छोटा सा एक्सपी फार्म। हाँ यार आप देखो ऐसा नहीं कि काम ही चलाऊ बनाया, क्योंकि यार हमारे पास सिल्क टच है नहीं और यार हमें किसी उसमें मिल भी नहीं रही सिल्क टच। तो यार अब ऐसा नहीं कि जब तक हमें सिल्क टच नहीं मिली तब तक यार अभी हमने अपने काम चलाऊ के लिए यार एक्सपी थोड़ी बहुत बढ़ाने के लिए हमने यार एक छोटा सा एक्सपी फार्म बना ही लिया। तो यार अभी ऐसा नहीं यार बकवास नहीं करते और यार तुम्हें दिखाने चलते हैं एक्सपी फार्म। तो यार अभी ना कोनो अच्छी वाली स्वॉर्ड ले लेते हैं, सोच रहे हैं ना, जिससे हमें एकदम धमाकेदार एकदम चीजें मिल जाए। तो यार अभी ऐसा है कि मामला पानी, एक सेकंड, हाँ इसमें कोनो में स्मार्ट है, इसमें नॉकबैक है, तो स्मार्ट ही वाली लेके चलना है, स्मार्ट वाली। देख रहे हो क्या बोल रहे हैं लॉन्डे, हम समझ में आ रही बात। तो यार अभी माइनक्राफ्ट ले चलते हैं। और इससे आप लोगों को पता है यार, अगर आप लोग हमारे एपिसोड देखते होंगे, और वैसे तो तुम लोग देखते नहीं हो यार, और यार अगर देखते हो तो भैया लाइक करा करो यार, सब्सक्राइब करो। मैं वो लाल खटका दिख रहा है उसको सफेद करो, मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग। यार भैया जैसे कि अगर आप लोग ने हमारा एपिसोड देखा है तो यार आपको पता ही होगा यार, तुम्हारे लौंडे ने बना लिए ट्रेन। हाँ यार भाई साहब ट्रेन बनानी पड़ी, क्या ही बताएं, जिंदगी एकदम खराब हो रखी थी, कब तक इंसान अपने पद यात्रा करेगा यार, पैरों में दर्द होने लगते थे। तो यार अभी ऐसा है कि ये देखो, ये अगर आप लोगों ने नहीं देखी, जिन्होंने नहीं देखी, तो यार ये है हमारी ट्रेन और इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें बस यहाँ रखना पड़ता, इसमें बैठना पड़ता और भाई हमारी ट्रेन जो है वो चल जाती एकदम फुल स्पीड में। यार हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस इस ट्रेन में सफर करना पड़ता है। तो यार अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट एपिसोड देखा तो यार आपको पता ही होगा कि यार हमने फिलहाल एक्सपी फार्म बना लिया। अब यार देखो क्या बात हुई कि गूगल में जब मैंने एक्सपी फार्म के बारे में सर्च किया तो उसमें पता चला कि अगर आप अपना एक्सपी फार्म अपने घर से दूर बनाते हो तो यार जो ज़ॉम्बी वगैरह होते हैं वो डिस्पॉन हो जाते हैं। हाँ यार ये चीज मेरे को नहीं पता थी, ये चीज मेरे को बाद में पता चली, बट यार अभी देखो है जैसा ही है जो भी है ठीक है। यार अभी हमने अपना फिलहाल कम चलाऊ बना ही लिया था एक्सपी फार्म, ठीक है ना। यार अभी ऐसा है, बकवास नहीं करता हूँ यार, फटाक से पहुंच लेते हैं अपने घर पर, बकवास करने की जब जरूरत नहीं भाई साहब, इतनी तेज पहुंचते हैं ना हम अपने घर की का ही बताएं। तो यार अभी हम बस अपने घर के एकदम करीब ही हैं। यार हम सोच रहे हैं ना कि हम अपनी रेल्स को और तेज कर लें, आई मीन अगर मेरे को सोना वगैरह मिल जाए ना तो मैं पूरी रेल्स को पावर रेल में ही तब्दील कर दूं, क्योंकि भाई सही है ना, अगर एकदम सुपर फास्ट एकदम मेट्रो स्पीड में अगर हमारा घर पहुंच जाए। यार अभी फिलहाल हम अपने घर आ चुके हैं और देख रहे हैं यार अभी स्पीड देखना तुम लोग एकदम, आखिरी में हमने यार पावर रेल इतनी सारी यूज कर दी थी ना, देखना है तुम लोग। और भाई साहब ये देखो वैसे यार स्पीड एकदम सेम ही है, कोई अलग नहीं है स्पीड। अब पता नहीं यार तुम लोगों को कितने हल्ले में हमको सुनाई पड़ा होगा कि नहीं, बट यार अगर सुनाई पड़ा तो अच्छी बात है, नहीं पड़ा तो भी अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात तो ही ना। तो आप देख सकते हैं आप लोगों को पता है कि यार अभी हमारे पास सिल्क टच नामक एक यंत्र है, बट यार वो लगा है होवर में। अरे बाप रे बाप, यहाँ ये मुर्गियों का भाई, ये मुर्गियों का शासन चल रहा है क्या, दुनिया भर की मुर्गियां हो गई बे। तो यार अभी ऐसा है कि अगर आप लोगों को पता है तो यार देखो सिल्क टच जो है वो यार हमारे उसमें है, किसमें, हो में लगी है, कोई बोलते ना हो में लगी है। तो यार हमें ना वो सिल्क टच, सेम सिल्क टच हमें चाहिए किस पे, हमारी पिकेक्स में, ताकि यार हम स्पॉनर तोड़ के ला सके और उसका यूज कर सके। बट यार अभी ये सब करने में ना दिमाग की भजिया बनने वाली है। तो यार अभी ऐसे ना भजिया नहीं बनवाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं और यार फटाक से चल लेते हैं अपने एक्सपी फार्म में। देखो यार अब मैं जाऊंगा ना अभी एक्सपी फार्म में तो तुम्हें एक ज़ॉम्बी भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी 100% मैं लिख के देता हूँ, है ना। तो यार मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ बनाने वाले हैं जो खतरनाक चीज ना, जिसकी तुम लोगों ने सोची ना होगी। हाँ यार अब तुम लोग सोच रहे हो क्या चीज बनाने वाला हूँ। तो यार देखो सबसे जरूरी क्या चीज हमारे को लगती है वो है आयरन। हाँ यार अब आप तुम लोग समझ गए होगे कि अब आयरन से रिलेटेड मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ तो क्या ही है। हाँ यार आप लोगों ने सही पकड़ा, अगर पकड़ लिया है तो मतलब है मेरे गैस को। तो यार हम जा बनाने वाले हैं आयरन फार्म। हाँ यार आपने सही सुना, हम बनाने जा रहे हैं एक सस्ता टिकाऊ एकदम छोटा सा आयरन फार्म, जिसको यार मैंने यूट्यूब में चैनल पे देखा था, पता नहीं यार वो चैनल का नाम क्या है यार, मैं उसकी लिंक एक्चुअली डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार अगर तुम लोग को भी बनाना हो आयरन फार्म वगैरह तो यार देख लेना वहां से जाके। तो यार अभी ऐसा है कि उसमें हमने देखा यार हमको एकदम छोटा सा आयरन फार्म चाहिए था, क्योंकि यार हमारी अभी इतनी औकात है नहीं कि यार हम बड़ा सा एकदम आयरन फार्म बना पाए। तो यार अभी हम अपने औकात के हिसाब से ही छोटा सा आयरन फार्म बनाएंगे। तो यार ठीक है यार, हमें अगर एक दिन में भी अगर 5-6 आयरन मिल रहा है ना तो भाई बहुत है हमारे लिए, सही बता रहा है बहुत हमारे लिए। बट यार उसके लिए अभी मामला पानी ना बहुत सारा बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यार उसमें देखो विलेजर्स लगने वाले हैं और भी यार बहुत सारी चीजें लगने वाली, पता नहीं क्या लगने वाली यार, उनको तो हम देख कर लेंगे। यार अभी देखो जैसे कि आप लोगों को पता ही वाली जो अपनी केव है, जो खतरनाक केव है यार, इसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर तो नहीं करी, बट यार मेरे को अभी इसको और भी एक्सप्लोर करना है। बट यार अभी ऐसा है कि कुछ हमारे लौंडे लपाटों ने बताया था कि यहाँ पे वार्डन नाम का एक भूतिया इंसान घूमता है, तो इससे जरा बच गए। तो यार अभी देखो अभी हम आ चुके हैं, तो यार अभी तुम देखोगे कि हमारे एक्सपी फार्म में कोई भी ज़ॉम्बी वोम्बी जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यार जब हम अपने घर से दूर चले जाते हैं तो वो डिस्पॉन हो जाते हैं, डेट्स वाई
दे आर नॉट स्पॉनिंग। तो यार अभी ऐसा नहीं कि अभी हम जैसे ही अपने घर के पास खड़े होंगे और यार थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, है ना। तो यार अभी थोड़ा 5 मिनट रुकते हैं और फिर देखते हैं जब यहाँ पे भीड़ लगेगी। A few moments later. क्या यार अभी 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट तो नहीं हुआ, 5 मिनट से कम ही यार, मुश्किल से 1 या 2 मिनट हुए होंगे और देख रहे हैं भाई साहब यहाँ पे भीड़ लग चुकी है। देखा जा रहा है कैसे एकदम मचल रहे हैं हमारे ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो यार वैसे नहीं कि यार इन्हें वेट नहीं करा कर इनको फटाक से ऑटोग्राफ दे देते हैं। भैया कहाँ लेंगे मुँह में, तो ये लीजिए थोड़ा आइए पास में आइए। अरे भैया मत इतना दूर मत जाइए यार, हम आपकी तो हैं, हम आप ही के तो हैं, जरा और पास में आइए थोड़ा। आ जाइए आ जाइए और आ जाइए और आ जाइए। अरे भैया एकदम पहल के आए हैं, आ जाइए चिंता ना करिए सर, सबको मिलेगा ऑटोग्राफ। आइए इधर आइए, आपको भी मिलेगा, आइए आइए थोड़ा जल्दी आया करिए यार भगभग के। हाँ तो यार देखो हमारे को एक्सपी तो फिलहाल मिल रही है, बट यार एक बात ये है ना कि हम एक चीज करना भूल गए। अब वो तुम सोचोगे क्या यार, एक्चुअली क्या है कि कुछ जो एक्सपी वगैरह है ना वो यार यहीं पे गिर जाती है और यार उसके गिरने के चक्कर में ना हमारी लंका लग जाती है। अब तुम सोचोगे कि यार कैसे लंका, तो यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ। क्योंकि देखो अभी ना इनकी कुछ एक्सपी यहीं पे गिर जाती, देख रहा हूँ। ओए नहीं 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 ये नहीं करना था मुझे, ये नहीं करना था। अरे ब्लॉक लग जा भाई, क्या हो रहा है, जिंदगी खराब हो जाती है अभी भाई। सॉरी सॉरी टू से, बट यार हम कुछ करना चाह रहे। ओए ओए देख रहा हूँ ये छुटका भी। ओए अरे भैंस की टैंक, भाग 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 भाग। अरे बाप रे ये कहाँ से पैदा आ गया। अरे भैया मार देगा, ये तो मारेगा पिछवाड़े में मारेगा। भैया भगलो भैया भगलो, अरे माफी चाहेंगे प्रभु, ये कहाँ से आ गया। अरे गलत हो गया हमारा एक्सपी फॉर्म। अरे भैया भगलो, कल्टी मार ले बेटा। अरे कल्टी मरे भाई की, इसकी कल्टी मरेगी, मरेगी कल्टी इसकी, जल्दी मरेगी भाई, मैं बता रही हूँ इसकी जल्दी कल्टी मरने वाली है। अरे भैया अरे भैया अरे भैया हमारी 27 एक्सपी यार, मार मत देना हमको प्लीज, सॉरी बे। अरे भैया हम ना का ही बताएं, एकदम जिंदगी हमारी खराब हो जाएगी यार, जरा थम जाओ बे, कहा बताएं। देख रहा हूँ जिंदगी कुछ ऐसी अभी चल रही है फिलहाल, आप समझ पा रहे हैं ना हमारी जिंदगी कैसे खराब हो रही है, समझ जाओ अब तुम लोग। यार अभी अरे यार वो गलती से ना और लोग ना निकल जाए यार, हमको डर बात का इस बात का है भाई। तो यार ऐसा करते हैं कि हम ना खतरों के खिलाड़ी तो थोड़ा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बने ना तो जिंदगी जो है वो खराब। अबे चिंटू तू ऊपर ही रही हो, पिल जाएगा फालतू का, मत कर मत करना, दूर रहा बोल रहा हूँ, आजा आजा पिलेगा साले चिंटू, मैं मिंटू बना दूंगा। अरे भैया आराम से, अरे यार हमें ना पत्थर वहां लगाने पड़ेंगे ना, वो चिंटू पिंटू ना ऐसे निकले आएंगे और हमारी जिंदगी तहस नहस कर देंगे। भैया हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो भैया सॉरी टू से बट हमें आपका रास्ता थोड़ा ब्लॉक करना पड़ेगा सर। आप बंद हो जाओ यार तुम लोग ना यार, यार ये छोटे कब से होने लगे भाई इन लोग पैदा, मेरे को ये कोई बताओ, ये छोटे वाले बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं यार, छोटों को पैदा ना करो भाई, ये बड़े बड़े वाले हैं ना इनको पैदा कर लो, ये चल जाएंगे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मेरा दिमाग पहले नहीं आया था बट यार अभी आ रहा है कि जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना वहाँ पे यार एक होवर लगा देते, ठीक है ना, होपर, और यार होपर से हम यहाँ पे एक डस्ट कनेक्ट कर देते, तो यार जो भी इनका मामला पानी गिरता ना वो हमें मिल जाता, एक्सपी वगैरह जो भी रहती ना वो सब मिल जाती शायद। तो यार अभी ऐसा ना कि ठीक है हमारा एक्सपी फार्म जो है काम कर रहा है फिलहाल के लिए। देखो यार अभी हमें फिलहाल एक्सपी के लिए फार्म चाहिए था, है ना, तो यार हमने वो तो बना ही लिया और हमारे को अभी फिलहाल एक्सपी मिल रही है। वहाँ पे भी यार हमने अपनी वो दिखाते हैं तुम्हें एक और चीज, पहले अपने घर चल लें फिर तुम्हें वो चीज दिखाते हैं ना यार। हम चारे मर गए भैया आराम से चाचा। अरे नहीं 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 भाई यार मैं पागल हूँ क्या, एक तो वैसी मेरी एक्सपी इतनी सारी और मैं अपनी एक्सपी ऐसी गवा दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ मैं अपनी ना एक्सपी ऐसी गवाने वाला हूँ भाई। अब पानी से जाने में डर लग रहा है क्यों, अब तुम लोग सोचो कि क्यों भाई पानी से क्यों डर लग रहा है। अरे वक्त को मैं आ जाता ना भाई साहब, पिछवाड़े में ट्राइडेंट कुछ चढ़ देते हैं। तो यार भैया अभी हम अपने घर आ चुके हैं एकदम फटाक से ही आए, मतलब ठीक है यार पैदल चले से ये वाला ट्रांसपोर्टेशन कम से कम सही है, ना गिरने की चिंता ना किसी की चिंता, आराम से बैठो और निकल लो। और हाँ यार एक चीज और भाई, हम इस माइनक्राफ्ट ये जो हमारे पास माइन शाफ्ट है हमारी ट्रेन है, हम इसकी मदद से अपने विलेजरों को भी इधर उधर कर सकते हैं। बट यार अभी मेरे को नहीं लगता कि हमें विलेजरों को इधर उधर करने की जरूरत है फिलहाल, है ना। और हाँ यार अभी तो हमें नहीं लगता फिलहाल, यार अभी ऐसा करते हैं फटाक से हम जरा घर पहुंच लें अपने। और यार अंधेरा अंधेरा कैसे रखा भाई, किसने हमारी टॉर्च उड़ा ली, चोर वोर आने लगे थे इसमें भी भाई, क्या हो रही है जिंदगी खराब हो रखी थी। अभी ऐसे करते हैं फटाक देने से ना सो लिया जाए। और हाँ यार तुम लोगों को एक और चीज बताते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारा जो गुल्लू उल्लू था, जो हमारा रॉकी भाई था, हाँ उसको यार गलती से हमने पेल दिया, मतलब यार देखो वो मुर्गियों के बीच में एकदम कैमोफ्लास हो गया था जिसके कारण हमें वो दिखा नहीं। पहले हाउ हाउ कर ले उसके बाद हम बताते हैं हाउ हाउ कर ले। अरे मर जा भाई, अरे मर जा भाई, मर जा मर जा मर जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मरो, हाँ मर जा, धन्यवाद। यार अब ऐसा ना कि यार वो क्या हुआ था कि वो जो हमारा कुत्ता था मतलब रॉकी था यार, वो कैमोफ्लाज हो गया था और कैमोफ्लाज के चक्कर में हमको समझ में नहीं आया और हमने उसको धर के पेल दिया। हाँ ये बड़ी गलती हो गई अब, बट क्या कर सकते हैं, कोई नहीं यार। अब हम आखिरी लास्ट एपिसोड में क्या बोल रहे हैं, तो यार अभी ऐसा है कि आज तो हम फिलहाल बनाएंगे आयरन फार्म, और आयरन फार्म के बाद यार हम क्या करेंगे कि हम पकड़ने जाएंगे ये कुत्ते, तो हम एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुत्ते लाएंगे। और भाई
रॉकी के लिए भी यार हमको लग रहा है कि हम कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि यार उसने हमारा बहुत साथ दिया भाई, बहुत जोंबियों को पेला यार। मतलब वो ऐसा था ना कि हम अगर पिल्ले लगते थे तो वो आके बचा लेता था यार हमको, उसके बिना तो जिंदगी हमारी खराब हो जाएगी, सही बता रहे हैं। तो यार इस तरह की हमें ना ढूंढना ही पड़ेगा। बट यार अभी आज तो हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म, तो यार अब आयरन फार्म की ना पहले जगह समझ लेते हैं कि यार आयरन फार्म आखिर हम बनाए तो बनाए कहाँ। यार देखो ये है हमारा घर, ठीक है, आई मीन ये हमारा घर, और आयरन फार्म हम यहाँ बना तो सकते हैं। वैसे ज़्यादा बड़ी जगह हमें चाहिए नहीं, बट तब भी एक मिनट हम ना ज़रा देख लेते हैं। हमें थोड़ा ये सरफेस क्लीन करना पड़ेगा, और ये सरफेस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कितना हम बताते हैं तुम्हें, बड़ा इतना कि कम से कम ये सरफेस यहाँ से जैसे है ना अपना, तो यहाँ से ये लेके यहाँ से ऐसा पूरा ये जाना चाहिए, ये सब कवर करते हुए यहाँ तक ये पूरा, और यहाँ पे ये बंद हो जाना चाहिए पूरा, ऐसा आते जाते हुए ये पूरा यहाँ पे ऐसा बंद हो जाए, है ना, और ये पूरा ऐसा कवर हो जाए। तो हमें भैया लगने वाली बहुत सारी डर्ट, बट अच्छी बात यह है कि आप हमारे लौंडे के पास डर्ट बहुत सारी रखी, क्यों, क्योंकि यार हम फेंकते नहीं है भैया, कि हमें पता है कि हम यार भैया खेल रहे हैं सर्वाइवल में, और हमने यार कहा किया कि अपनी होशियारी के चक्कर में ऐसा चीट अपने ऑफ कर दिए। अब चीट ऑफ करने में कहा होगा कि हमारी हो गई जिंदगी खराब। अब तुम लोग का, अब तुम लोग को पता ही होगा यार, तुम लोग ने हमारे एपिसोड देखे हैं तो यार तुम्हें तो पता ही होगा कि हम जिंदगी खराब हुई हमारी। पर अभी ऐसा करते हैं जितने भी स्टैक हैं रख लेते हैं यार, है ना, बकवास नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी अपने सारे स्टैक रख लें जितने भी हैं, बहुत सारे हैं भाई, इतने सारे हैं ना कि हम तो का ही बताएं, इतनी मिट्टी बेच के तो हम अम्बानी से भी बड़े आदमी बन जाए। अबे साले, अरे यार बट हमें ना ये करना पड़ेगा यार, थोड़ी अपनी खेती बाड़ी ना उजाड़नी पड़ेगी। हाँ उजाड़ दी अभी हमने खेती बाड़ी अपनी, देखो यार हम गेम में उजाड़ रहे हैं इसलिए तुम्हें उजाड़ देना, तुम लोग अपनी है ना कि फिर कहो कि भाई तुमने तो बोला था कि वो उजाड़ दो तो हमने उजाड़ दी, है ना, ऐसा ऐसे ना करना भैया। अरे यार क्या हो रहा है, इतने दिनों से हमने काम धंधा ना करो ना तो का ही बताएं, एकदम जिंदगी खराब हुई पड़ी हमारी। यार अभी ऐसा है कि हम मामला पानी अपने जो बना रहे हैं ना, तुम लोग सोचो कि क्या कर रहा है भाई, आयरन फॉर्म बना रहा है क्या कर रहा है, तो भैया अभी तुम लोगों को पता चलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच, क्या करो, वेट एंड वॉच। एकदम छोटा सा आयरन फार्म है दादा, ऐसा कोई बड़ा वाला आयरन फार्म नहीं है, बट यार तब भी मजा आनी चाहिए। तो यार बकवास नहीं करते हैं, फटाक से हमें क्या क्या टूल लगने वाले हैं, तो यार पहले वो टूल ले लेते हैं, है ना। तो यार अभी हमें चाहिए फिलहाल, खोलो भैया दरवाजा, खटका खोलो अपना। तो यार अभी हमको स्लैब चाहिए, तो स्लैब के लिए हमें कोबल स्टोन चाहिए, कोबल स्टोन के साथ साथ हमें चाहिए थोड़ी लकड़ियाँ, लकड़ियाँ बोल रहा हूँ, लकड़ियाँ। अरे भैंस की टैट, हमारे पास लकड़ियाँ हैं भाई, हमको वही लगा, हमने कहा लकड़ी वकड़ी कौन कौन खा गया बे। तो हमारे पास जंगल फेंस गेट भी है, तुम लोग सोचोगे फेंस गेट का, इसलिए भैया सब बताएंगे, एकदम चिल मार के बैठो तुम। अभी डट वट रख देते हैं एकदम, हमें डट की वट की जरूरत नहीं है, डट वट रख लियो भैया, अपने पिछवाड़े में घुसेड़ लियो। तो यार अभी भैया हम नीचे आ चुके हैं फिलहाल अपनी कैब में, और यार इस तरफ ना जाके, इस तरफ हमारा एक्चुअली हम है, और यार आप लोग बताओगे कि यार इस तरफ जो है ना वो है हमारा लावा। तो भैया लावा लावा हम आ गए आपको लेने, तो यार अभी आप हमारे साथ चलने वाले हैं, स्टैटिक लावा होना चाहिए था उसने बोला था। तो यार और भाई सब हमने भर लिया लावा, क्या कर लो, लावा भर लो यार, अभी हमने फिलहाल लावा वावा तो भर लो। अरे आराम से भैया अभी इसमें गिर जाते हैं, गलती से नहीं जानबूझ के ही गिर जाते हैं, बट बोलते तो गलती से ही ना। तो यार अभी ऐसा है कि फटाक से हम जरा ऊपर पहुंच लें अपनी खुपड़ियां ना तुड़ाते हुए, अबे कहाँ जा रहे हैं, कोई रास्ता दिखाओ भाई। हाँ तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं, और यार बकवास नहीं करते, फटाक से ना यार जरा चल लेते हैं ऊपर, और निकलते हैं अपने घर पहुँचते हैं वहाँ पे, और यार ये लावा वावा की भी हमारा जो मामला पानी था वो हमने कर लिया। अरे अरे एक सेकंड, हमको देखने दो रास्ता कहाँ से, हाँ यहाँ से, अरे हम का ही बताएं, जिंदगी खराब ही पड़ी हमारी। तो अभी एक्शन करते हैं फटाक दिन से, हम चल लेते हैं मैं घर पे, और यार मामला पानी जो है ना तेरे सारा समझाते हैं आपको, और यार आयरन फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी हमें सबसे पहले 3x7 का गड्ढा करना पड़ेगा। तो यार भाई ऐसा ना गड्ढा करने के लिए हाथ में ले लेते हैं, कहाँ गई हमारी कुल्हाड़ी, ये ले ली हमने कुल्हाड़ी, और भाई हमें 3x7 का गड्ढा करना है। तो यार यहाँ पे करते हैं, यहाँ से करते हैं ना, ठीक है ना, यहीं से करते हैं 3x7। तो यार 1, 2 और 3, अरे यार अपने साथ ना डट ले आए, एक सेकंड, वो डट नहीं कह रहे वो क्या कहते हैं उसको, अरे आराम से, हाँ वो ले आते हैं अपने साथ। हो यार दिमाग खराब है इसमें, तो घंटों लग जाएंगे मेरे को करने में। तो भैया हमारे पास हो रखी है, अरे बाप रे बाप, खतरनाक वाली हो रखी है। तो अभी हमारे पास हो है खतरनाक वाली, इसमें पता नहीं कौन कौन सी ट्रीटमेंट लगा के हमने रखी है, चमक धमक रही है एकदम। तो यार अभी ऐसा ना कि फटाक से जाके ना यार 3x7 का गड्ढा करना है, तो एक ब्लॉक तो यही किया जाएगा, है ना, दो ये हो जाएगा, 1, 2, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हम जाएंगे 3, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, फिर ये 6 और ये 7, है ना, सही जा रही है ना भाई।
हाँ तो यार ये हमने सात का बना दिया फिलहाल अभी है ना, मामला पानी साथ ही हुआ ना। हाँ सात ही तो है। हाँ ठीक है यार सात ही है फिलहाल, अब इसके बाद देखा जाता है। तो यार अभी हमें इसके बाद बनानी पड़ेगी सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ हमें यहाँ से बनानी है। तो रुक जाओ यार, सो पहले ना अपनी जरा टॉर्च वगैरह जो है वो अवेलेबल कर लें अपने लिए। अरे यार ये हम घास फूस सब उठा के ले आए, दुनिया भर का मामला पानी गड़बड़ कर लें। अबे आयरन लेके हम क्या क्या ही बोले हम अपने आपको, क्या ही बोल सकते हैं यार। अब उसके बाद हमें यार बनाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ बनाना पड़ेगा बताते हैं। उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे एकदम छिद्रा। अब छिद्रा आप लोग पूछेंगे कैसा छिद्रा, तो यार अभी ना हम फिलहाल भूल ही चुके यार अपने मामला पानी, बट चलो यार अभी हमको बनाना है 3x3 का गड्ढा। तो यार अभी देखो मामला पानी बना रहे, देखो यार अभी अभी है मामला है ना ये छोटा सा एकदम है ना, ये तो हमको छोटा सा बनाना आयरन बांध, ताकि यार हमें फिलहाल ना अभी आयरन मिल सके, क्योंकि यार बार बार आयरन जाएंगे केव में लेने तो हमारा पूरा दिन तो ऐसे निकल जाता है यार। केव में ढूंढते रहो आयरन पागलों की तरह, भैया केव दे दो भैया, आयरन दे दो भैया, ये दे दो भैया, वो दे दो भैया। तो यार अभी हम फिलहाल ने हमने ये बना लिया है, और यार देखते हैं कि अब इसके आगे की स्टेप्स क्या है। तो यार अभी हमें लगाना है स्लैब, तो स्लैब तुम फिलहाल लेके आना भैया, स्लैब स्लैब भैया सब लेके आए एकदम, तुम्हारा लौंडा सब चीज लेके आए, ट्रैप डोर भी लेके आए थे हम अपने साथ है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार स्लैब हमको लगाना है यहाँ यहाँ, और जो लगेगा वो ये लगे। अबे कुछ आधी ऊपर लग गए तो ना 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 मुन्ना इधर, अबे कुछ आधी ऊपर नहीं लग गया यार, रुक जाओ। अबे ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर लग गया, रुक जाओ भैया इतने ऊपर ना लगाना था भैया, ये भी इकट्ठा कर लो। अबे यार हमको कहा ना ऐसा लग रहा है कि मामला पानी ना दिक्कत वाला ना कर रहे लोग, सही है ना भाई, ठीक कर रहे ना वैसे यार, एक दो तीन, हाँ यार ठीक तो है। बट यार ये ऊपर लगने थे सेकंड फ्लोर पे, बट यार यहाँ पे लग रहा है ये तो ऊपर लग गए थोड़ा ना यार। मामला पानी हमें क्यों लग रहा है कि स्मूथ स्टोन की जरूरत पड़ती है यार हमें यहाँ पे, का ही बताएं जिंदगी एकदम खराब हुई पड़ी हुई। तो यार अभी ऐसा है कि फिलहाल तो मामला पानी अभी हम समझ रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए है ना, कि लोग आके नहीं आए, वैसे नहीं आ पाएंगे यार, ठीक है अभी तो हम ठीक है यार, जो भी ये देखा जाएगा है ना। Many hours later. यारा, होवर कहाँ गए, यारा होवर, तो यार ये अभी हम होवर लगा दिया, और हमें चाहिए था यार पानी की भी बकेट, तो पानी की बकेट हमारे पास आई थिंक है, तो फटाख से ले आते हैं, कोई इतनी बड़ी वाली बात ना है। तो यार ये पानी की बकेट वाली चिंता मामला पानी खराब कर दिया हमारा, पानी की बकेट भी लेके आना था यार हमको, रुक जाओ। तो यार अरे यार का है दिमाग खराब ना करो अभी हमारा, वैसे नहीं दिमाग नहीं है और तुम दिमाग खराब कर दो, हमारे पास पानी की बाल्टी है रे, अरे पानी की बाल्टी नहीं है हमारे पास, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत बोलो यार, मेरे पास पानी की बाल्टियाँ थी बे, नहीं है क्या, अरे भैंस की टैंट हमारे पास पानी की बाल्टियाँ नहीं है। अभी ये लावा फेंक के आना पड़ेगा रे दो ठोकनी का, तो भैया ये लावा ऐसा करते हैं पानी में ही गिरा के आते हैं लावा वावा, तो भैया लावा वावा एक सेकंड जरा, और भैया जिंदगी खराब होने वाली है। तो अभी एक्शन करते हैं, अभी हमने एक बकेट भर लिया है, और भैया यहाँ से कल्टी मार लेते हैं गलत जगह, हमने थोड़ा डुबकी मारी, तो यार डुबकी मार के ना फटाक से पहले उस तरफ खोल लेते हैं अपने। तुम लोग कह रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, भैया जरा थम जाओ, ठहर जाओ जरा, हमको भी नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, हमने अपनी जिंदगी खराब कर दी थी फालतू का है ना। तो यार अभी हमने एक बकेट तो भर लिया है, और एक बकेट हमें सिर्फ एक बकेट लावा चाहिए था, और हम दुनिया भर की बकेट की लावा ले आए। तो यार अभी ना हमें फिलहाल लावा 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 लावा, तो यार अभी फिलहाल ना हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि लावा यहाँ पे ना गिरे, तो भैया भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले, पर पानी अभी हम ले लिया है। तो यार अभी हमारे पास पानी है सब कुछ है यार, फटाके चल लेते हैं, मामला पानी अपना बनाते हैं खतरनाक वाला एकदम, बन ही चुका फिलहाल मतलब हमारा मामला पानी, बस विलेजरों को पकड़ के लानी और रात का वेट करना ताकि वो ज़ॉम्बी आ सके, क्योंकि यार एक ज़ॉम्बी वाले भैया को यहाँ पे ट्रैप करना है। तो यार अभी ऐसा है कि पानी डालने का वक्त आ चुका है, तो पानी हम यहाँ से डालेंगे, एक डाला हमने यहाँ से, एक डाला हमने यहाँ से, और भाई साहब हमारा मामला पानी बन गया, क्या बन गया मामला और पानी। तो यार अभी हम पहले यहाँ से निकल लें वरना जिंदगी हमारी ना खराब हो जाए। तो यार ये इतना मामला पानी हो गया भाई, सही बैठ गया, अब जो भी मामला पानी होगा वो उधर ही जाएगा, ये तो काफी बढ़िया हो गया, मजा ही आ गया एकदम है ना। तो यार अभी हम क्या करने वाले थे, हम भूल गए, अरे बाप रे बाप, आ जाओ तुम लोग, आ जाओ, तुम्हारी भी जरूरत थी वैसे, आ जाओ आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी भी वैसे थोड़ी मेरे को जरूरत है ही है, तो तुम लोग आ ही जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ फटाक से, आओ फटाक से, अबे जल्दी आ जाओ थोड़ा, अरे यहाँ से आ जाओ मेरे भाई, आ जा आ जाओ आ जाओ, अच्छा इधर से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा जल्दी आओ यार, इनको एक बार जरा पेल देंगे ना उसके बाद हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, बट इन लोग नहीं अभी मां घुसेंगे यार फिर उसके बाद ना, बात ये है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर जी, कम यार कम यार कम यार,
Come here, my friend. Come here, my friend. Come here, my friend. हमें एक ही साथी की जरूरत थी सर, हमें 10 की जरूरत थी भी नहीं, है ना, हमें आपकी जरूरत है भी नहीं। आप जाइए नीचे, कहा आप जाएंगे नीचे, और अभी हम उनको लेके आ रहे हैं अपने लोगों को। रुक जाइए, बस विलेजरों की जरूरत है तो विलेजरों को भी ले जाए यार, जिंदगी ना खराब हो जाए हमारी, है ना। यार भाई ऐसा है कि विलेजरों को रखते हैं, पहले तो दरवाजा तोड़ते हैं। और भाई साहब अरे अरे यार बैग के लिए भी जगह नहीं बची। अंडे फंडे ना दिया करो यार, अंडे वंडे की जरूरत नहीं हमें, अंडे वंडे ना दो। अरे आग लग गई, सब में आग लग गई भाई, फेल दिया रे उसको, फेल दिया। क्या हुआ भाई, चो ओए ले सब कबाड़ हो गया रे। ओए भाई 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 ऐसा मत करो यार, बस हो गया, तुमने जिंदगी हमारी खराब कर दी बे, हमारे अरमान तोड़ दिए रे, इतनी देर से हम कर रहे थे, हमारी जिंदगी खराब कर दी तुम लोगों ने तो बे। बहुत बहुत तेरे इतना बहुत बहुत करता, रुक मेरे को नीचे आने दे एक बार, मेरे को बस नीचे तो आने दे, तेरे को मैं मार के जाएगा मैं, रुक जा। अबे तो ये तो यहीं बैठा था ना, अरे तो ये क्या नीचे करना था, क्या करना था भाई, क्यों मर गया ये, निकल रहा था क्या ये से, अरे हाँ यार ये निकल रहा था ना, यही आ गया उसका भूत निकाल रहे यार, दिमाग खराब है इसकी। ये मुझे बैठा लेना था नीचे, मैंने गलती से ना ऊपर कर दिया। ये भी अब इसके ये भी आ रहे हैं भूतनी के। अरे रुक जा यार, अभी दिमाग की बत्ती ना बुझा मेरी। हाँ अब तो नहीं आ पाएंगे ना सर, अब तो नहीं आना चाहिए आपको यार, अभी हम ना साइड से निकल रहे हैं, बस हम निकल गए निकल गए निकल गए, सॉरी टू से बस हम निकल ही गए सर, आप चिंता ना करें हम निकल गए, हम तो निकल लिए भाई। 15 मिनट्स लेटर। और भाई साहब मामला पानी ना बन रहा है कुछ, और भाई जॉनी तो नीचे ही है ना यार, कि पिलपिला तो नहीं गया। अबे तुम लोग सो कैसे सकते हो, अबे तुम लोग सो क्यों रहे हो भाई, तुम्हारे बगल में जॉम्बी है, तुम सो कैसे रहे हो। हेलो सर हाउ कैन यू, बहन के पकौड़े। चलो यार मामला पानी कुछ माना तो है, बट यार इन लोग ना सो रहे हैं, और मेरे को सोना नहीं है, इनको सुनवाने नहीं देना मेरे को। अब यार मेरे को याद भी नहीं कि मैंने गड्ढे कहाँ किए थे, अब करो भैंस की टांग, जहाँ गड्ढे करना हो वहाँ करो गड्ढे। अब हमें पता भी नहीं है कि हमने गड्ढे कहाँ किए थे, तो भैया ऐसा है कि हमें ना इनके साथ नीचे ही जाना पड़ेगा। भाई इन लोग सो कैसे रहे यार, भाई यार प्रकट हो जा गोलम ना, रो गोलम प्रकट, क्योंकि यार इन लोग सो रहे हैं इसलिए गोलम प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी इसकी कोई टेंशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यार अभी ऐसा है कि मामला पानी ना हम जरा समझते हैं अपना, बताते हैं। अरे 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 आराम से चाचा, अभी ये है कि अगर हम इसको हटा दें तो इनकी फट जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, जैसा कि हमने सोचा था। तो जैसा कि हम सोच रहे हैं, इनकी एकदम बैंड बजी जा रही है, इन लोग सो नहीं पा रहे हैं, भग रहे हैं इधर उधर, भगते रहे हैं, भगते रहो बस, इन लोग सो नहीं पा रहे हैं, इनकी जिंदगी खराब हो रही है। और यार भाई साहब गोलम प्रकट हो जाता तो मजा ही ना आ जाता, बट यार अभी हम निकल रहे हैं, निकलने दे यार, अभी भट्टू भुट्टू ना कर हम यार, इन लोग सो तो नहीं पा रहे, अब सो नहीं पा रहे तो इन लोग क्यों नहीं डर रहे यार, क्यों नहीं प्रकट हो रहे गोलम महाराज, प्रकट हो जाए यार भाई, प्रकट हो जाए यार, जिंदगी ना खराब कर हमारी, हमें गोलम मारना पड़ेगा आई थिंक, ऐसा लग रहा है। मार ही देते हैं भैंस की टांग, हमें अपना ना एक गोलम भी मारना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, हमें कोई आइडिया नहीं भाई। तू ऐसा है मैं मरता हूँ, अरे बाप रे बाप, आजा बाहर आजा, अबे तू बाहर नहीं आ सकता मेरे को लगता है। अरे अच्छा हाँ यार मैंने अपना बेड तोड़ दिया था, हाँ यार तुम भी मार ही दो, ध्यान आया मेरे को, मैंने अपना बेड तोड़ दिया था, वाओ वाओ भाई वाओ, तुम सोचोगे मैंने अपना बेड तोड़ दिया था, मुझे लगा था कि लोग सो नहीं पाएंगे और
उनके सोने के चक्कर में मैंने अपना बेड छोड़ दिया था और मेरा रिस्पॉन्स पॉइंट हट गया था। क्या बोले भैया, जिंदगी खराब हुई पड़ी है। जब बोलते ना जिंदगी ऐसा नहीं खराब होती है भाई साहब, कहा करने जा रहे थे, कहा हो आयरन फार्म काम वाम कर नहीं रहा है, सब मामला पानी सही है बट नहीं काम कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा है हमें भी नहीं पता। यार देखो इन लोग आ गए भुखमंगों की तरह भै भै करने। आ जाओ भाई मार लो यार, तुम लोग भी मार ही लो है, मार ही लो तुम लोग भी मार लो। आ जाओ भाई आ जाओ सब आ जाओ आ जाओ, अरे मिलके मारो रे, आ जाओ रे। अरे मत मारो यार, जाने दो भाई, जिंदगी काहे खराब है भाई। चलिए हमारी कोनो जिंदगी सही ना चल रही है। आयरन फार्म एक बड़े इज्जत के साथ बनाए थे तो उसकी इज्जत ही चली गई, अब का ही बोले। यार अभी ऐसा करते हैं ना, हम अपने घर पहुंच लें बिना बकवास किए, यही बोल सकते हैं। तो यार वो रहा हमारा घर, कम से कम यार हमें याद है कि हमारा, अरे हाँ पीट सीट मिल गई भाई साहब, क्या बात है। बस यही तो चाहिए था जिंदगी में, पूरी जिंदगी हमारी खराब पड़ती है माइनक्राफ्ट वालों। इतनी मुश्किल से आयरन फार्म बनाया भाई साहब, आयरन फार्म नहीं चल रहा। अब यार तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ क्या कि मेरा आयरन फार्म चल क्यों नहीं रहा है बे, काहे नहीं चल रहा है आयरन फार्म यार। आई थिंक मेरे आसपास ना गोला में डेट्स वाई मेरा जो है ना मामला पानी वो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है। और ये लोग आ गए यार, आ जाओ भाई आ जाओ, मार लो मार ही लो तुम लोग। तो यार भैया आधे किलोमीटर का रास्ता पार करते हुए 10-20 साल लग गए यार हमें आते हुए। तो यार अभी ऐसा है कि हम आ चुके हैं अपने गाँव घर में, और भाई साहब हमें लगता है कि हमें अपने सारे गोलम को मारने पड़ेंगे जो भी गोलम है, उसके बाद ही यार मामला पानी जो है पानी गढ़ देख रहे हैं। जैसे कि इन लोग बाहर घूम रहे हैं एकदम फुसतिया में, एकदम घूम रहे हैं, घूमन दो हो गया, जिंदगी इनकी भी है, घूम लो भाई घूमो घूमो, और क्या कर ही सकते तुम लोग। हाँ तू भी निकल जा निकल जा निकल जा, अगले बार के कल्टी मार ले। हाँ हाँ जा 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 बिल्कुल जा, और सारा सामान अंदर। और भैया गोलम, अरे गोलम की हालत भी खराब है वैसे देखा जाए तो। हाँ तो गोलम की यार आप आकर खराब है ये, यार अभी हमको ना इसको मार के फिर भागना पड़ेगा। तो 1 2 अरे यार हमारी तरफ देख रहा बेटा, हमारी तरफ देख रहा, अगर गलती से इसको समझ में आ गया ना तो हमें पूछा, अबे कहाँ जा रहे हो लाइब्रेरियन। हेलो सर 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 सर, तो ओ महात्मा आदमी आप कहाँ चल दिए समुद्र में, आप कहाँ दे रहे हो रेस्पिरेशन टू नॉक बैक वन, आप अंदर चलिए वरना आपके अभी खोपड़ी तोड़ते हैं अभी है। पागल है यार सबके सब, कैसे भाग रहे हैं बाहर, देखो कैसे भाग रहे हो और बाहर। ओ चाचा वहीं रहो एक सेकेंड, हम गेट लगाते हैं जरा, आप वरना हमारी जिंदगी खराब कर दिए हो चाचा, हम बता रहे हैं आप तय बाहर ही रहिए हो, पता नहीं कहाँ गई हो। यार एक चीज बताओ कि हमारे गोलम क्यों नहीं प्रकट हो रहे यार, कोई बताओ तो, मेरे गोलम प्रकट काहे नहीं हो रहे हैं भाई है? काहे नहीं हो रहे, देखो इन लोग सो नहीं पा रहे, सो रहे हैं क्या कर रहे हो बे, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग थोड़ा बताओ तो। तुम लोग सही हो, कहाँ जाना चाह रहे हो सर, कहाँ जाना चाह रहे हो, मरना चाह रहे हो क्या जॉब के चक्कर में, थोड़ा साइड हो, साइड हो जरा साइड हो, अबे साइड हो जाओ, सामने ज़ॉम्बी है मर जाओगे। अरे आ भैया बहुत सही भाई बहुत सही, बस यही तो बाकी था, आप उसके साथ बैठ गए, अब लल्ला लल्ला लोरी खेल लो है, नहीं नहीं खेल लो लल्ला लल्ला लोरी खेल लो उसके साथ बैठ लिया, अच्छे अच्छा लग रहा है। अरे भूत नहीं कही है सब का ही बोले, अबे ज़ॉम्बी भी इनके जैसा बन गया भाई, क्या क्या बोले भाई क्या बोले। अबे हमारा एक्सपी फार्म हम आराम से समझेंगे कि हमारा एक्सपी फार्म आखिर कपाड़ हुआ तो हुआ, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई इनको ये देखने के बाद ना, ये देखने के बाद हमारी जो दिमाग है ना वो घूम चुका भाई, और रह नहीं दो। तुम लोग कौन कौन रहे, तुम्हारी जॉब खत्म करते हैं क्योंकि तुम जल्दी खत्म होने वाले हो, पता नहीं प्रकट ही नहीं हो रहा। अरे हाँ यार हिंद के बक मुझे मार रही है उतरिया साला, वो तू चल ना चल ले, अरे मरा, अरे यार क्या हो रहा जिंदगी में, का हो रो है रे जिंदगी में, का हो रो है जिंदगी में। भाई साहब कुछ मामला पानी गड़बड़ हो रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने भैया, मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, दिमाग की भजिया बन चुकी है पूरा तरीके से, खत्म हो चुका है दिमाग। लाइब्रेरियन तू भाड़ मेरे साले तू, मेरे को कुछ नहीं करना अभी, मेरा दिमाग की भजिया बन चुकी है, बस मैं हो गया, मेरा जो था यहीं तक था भाई, दिमाग की बत्ती बन चुकी है, मैं जा रहा हूँ ऊपर भाई भगवान के पास। अरे चल ले यार, हाँ धन्यवाद। तो अरे भैया ऐसा है, हाँ दिमाग खराब हुई हमारा। तो यार भैया ऐसा है, एक बार हम और बहुत बुरी तरीके से फेल होते हुए
हमारा आयरन फार्म काम नहीं किया, अब क्यों नहीं किया मेरे को कुछ नहीं आइडिया, मैं फिर से ट्राई करूंगा, बट अब हमारे पास ट्राई करने के लिए विलेजर्स बचे ही नहीं, क्योंकि जितने भी विलेजर्स से वो मर गए, और क्या ही बोले, जिंदगी खराब हो गई हमारी। अब यार देखो सिंपल सी बात ऐसा है कि यार हमारे दिमाग में अब एक चीज आ रही है, वो ये आ रही है कि हम क्यों ना ही दूसरा वर्ल्ड बना ले। अब तुम लोग कहोगे क्यों, अरे भैंस की टांग, क्रिएटिव वर्ल्ड बिना क्रिएटिव के यार दिमाग की भजिया बन जाती है मेरी। मैं सही बताऊं भाई, दिमाग भजिया बन रही है मेरी भाई। मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरा वर्ल्ड क्रिएट कर ही लूँ। अब तुम लोग बताओ यार कि मैं दूसरा वर्ल्ड क्रिएट करूँ कि नहीं करूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है भाई, क्योंकि बिना क्रिएटिव वर्ल्ड के कुछ मामला पानी बैठ ही नहीं पाता ना यार, दिमाग अलग खराब हो जाता है। क्रिएटिव वर्ल्ड से मैं थोड़ा बहुत अपना मामला पानी ठीक कर सकता हूँ, वो थोड़ा फास्ट रहेगा ना भाई। देखो मैं घर वर भी ढंग का बना पाऊंगा, सब चीज़ ढंग की कर पाऊंगा। अब इसमें तो साला दिमाग की भजिया बन जाती है यार करते करते, हाँ नहीं तो दिमाग खराब हो जाता। तो यार भैया ऐसा ना कि यार ना, देखो भैया आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, अपने अपने लड़कों को बोलो कि भैया शेयर वेयर कर दें, और ये आयरन ले लो घूस में, ताकि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहा ना, तो यार आयरन ही ले लो हमारा, कर लो सब्सक्राइब। वो देखो वो गोलम भी वहाँ से देख रहा हूँ, तेरा कैसे चुमटिया टाइप का सरपंच है। तो यार अभी ऐसा नहीं कि जो भी मामला पानी हमने यार देखो अपने हिसाब से बनाया या नहीं बना, तो यार हम सोच रहे हैं कि हम क्रिएटिव मोड यूज करें और यार एक दूसरा वर्ल्ड बनाए। अभी यार देखो दूसरा वर्ल्ड बनाने में हम ये मत सोच रहे कि हम कुछ खतरनाक करेंगे मामला पानी, नहीं भाई। दूसरा वर्ल्ड बनाने में क्या होगा कि अगर हम दूसरा वर्ल्ड पहली बात बनाते हैं, पहली बात हम ये सोच नहीं रहे बनाने का, क्योंकि यार हमें बहुत सारा कुछ मामला पानी बनाना पड़ जाएगा। बट यार तब भी अगर हम अगर बनाते हैं अपना क्रिएटिव वर्ल्ड फिर से दूसरी दुनिया पे जाके फिर से बनाते हैं यही सब मामला पानी, तो देखते हैं यार हम देखो इतना ही सारा मामला पानी इकट्ठा करेंगे, कुछ इसमें से एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। तो यार हम सोच रहे हैं कि हमें एक बना ही लेना चाहिए अपना एक न्यू वर्ल्ड, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो हमारी खराब हो जाएगी इसमें। तो अभी ऐसा नहीं कि फटाक से हम नीचे चल लेते हैं। तो यार भैया अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने अपने लड़कों को बोलो कि शेयर वेयर कर दें। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए भैया गुड बाय।